दिल से था इस दम में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था, मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसका पालन करूंगा। जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पर रखा और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहाँ तो जा रहे हैं और यहाँ से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि मैं यही रह के बिहार की सेवा करूँगा। जीवन में तो पद मिलता होता रहता है, आईएएस है और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था, तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं, तो इसके लिए मैंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पर जो लास्ट बहुमत है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूँ कि पहले दिल से था इस जग में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था, एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूँ और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफ़ी देर तक सुनता रहता था। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित, उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व, और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि 8 वर्षों से उनके पास रख करके मुझे ध्यान में सीखने का मौका मिला। और जितने भी यहाँ पर सीनियर यहाँ पे हैं सर, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका पालन करूँगा। और घटना है 2015 की, सॉरी 2012 की, 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था, 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे, मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा कि बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊँ। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, कि कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूँगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊँ। मैं कहा कि अद्भुत बात है, एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊं। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी, मन को झकझोर दिया, लगा कि
कि यह संभव है कि 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि दिल्ली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन साफ करते करते ऐसे IAS बन गए, तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, मजबूत बात कह रहे थे, और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही लोगों ने, उस समय बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, और जो मात्र 2 वर्ष में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में संयोग की बात है, मैं DM था और DM के बाद दिल्ली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त, तो हमने थे CMD, हम 3 कंपनी के MD थे और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो सहयोग उन्होंने दिया, सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।